यस फिफ्थ क्लास, आज हम मैथ्स का पेज नंबर 175 करेंगे, चैप्टर नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है, आई सॉ दिस इन न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क। यहाँ पे है कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट में बोला है कि जो खेतों में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको हम जो नीचे टेबल में बने हुए इस सैलरी से कम नहीं दे सकते, मतलब ये मिनिमम वेजेस उनकी है, मिनिमम सैलरी पर डे के हिसाब से आपको गिवन है। स्टेट हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। हरियाणा में आप पर डे एक दिन में ₹135 से कम किसी को नहीं दे सकते, आपको मिनिमम इतना देना ही होगा। एंड राजस्थान में ₹73 है, मध्य प्रदेश में ₹97 एंड ओडिशा में ₹75 है। इस टेबल को देख के हमसे कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय फोर स्टेट। यहाँ 1, 2, 3, 4 स्टेट्स का गिवन है आपको पर डे सैलरी। फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द लोएस्ट। अब आपने बताना है इसमें कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट फिक्स किया है कि आपको मिनिमम इतना देना ही है, तो वो है हरियाणा। एंड सबसे कम जो है, लोएस्ट मतलब कम, वो है आपका राजस्थान। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, हरियाणा स्टेट हैज़ फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट एंड राजस्थान स्टेट हैज़ फिक्स द लोएस्ट अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, भैरव सिंह इज़ अ वर्कर इन राजस्थान, इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फॉर्म, हाउ मच विल ही अर्न। वो कितना अर्न करेगा अगर वो 8 वीक्स काम करता है। देखिए ये आंसर है उसके जो हमने अभी क्वेश्चन रीड किया था, हरियाणा स्टेट हैज़ फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट एंड राजस्थान स्टेट हैज़ फिक्स द लोएस्ट अमाउंट। उसके बाद बी पार्ट है, तो आप लिखोगे भैरव सिंह अर्न इन वन डे में उसको कितना मिलता है ₹75 और उसने काम कितना किया है 8 वीक। तो भैरव सिंह अर्नस इन 8 × 7 डेज। अब देखिए 1 वीक में 7 डेज होते, 8 में कितने होंगे 8 × 7, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 73 × 8 × 7, मतलब तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 584, देन जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारा पूरा आंसर आया ₹4,088। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा, If she works for 2.5 months on the farm, how much will she earn? आप देखिए नीलम है जो वो हरियाणा में काम करती है, अब हरियाणा की आपको पर डे वेजेस लेनी पड़ेंगी और उसने 2.5 months काम किया, इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये रहा। देखिए नीलम अर्न्स इन वन डे उसको ₹135 मिलता है जैसा कि टेबल में हमें गिवन है, तो नीलम अर्न्स इन 75 डेज इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 75, यानी कि 10,125 रुपीज़ उसको मिलते हैं 75 डेज। अब आप कहोगे 75 डेज कहाँ से आया, तो इसमें है 2.5 months, 1 month में कितने डेज होते हैं 30 एंड 2.5 month में कितने होते हैं 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने किया 2 × 30 एंड 1/2 × 30, पहले 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया फिर हाफ को किया, तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 एंड 1/2 यानी कि हाफ, 30 का हाफ कितना होता है 15, दोनों को प्लस किया 75 डेज, तो ये आप नोट में लिख सकते हो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हाउ मच मोर विल अ फॉर्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन ओडिशा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। देखिए इसमें हम MP का जो वर्कर है उसकी 9 वीक्स की सैलरी फाइंड आउट करेंगे और उड़ीसा का जो वर्कर है उसकी 9 वीक की फाइंड आउट करेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि कितने ज़्यादा हैं। तो अब देखिए MPs, ये पोस्ट ऑफिस मतलब MP का वर्कर गेट्स इन वन डे ₹95, ये गिवन है आपको, एंड MP's वर्कर गेट्स इन 63 डेज। अब 63 कहाँ से आया, ये मैंने नीचे नोट में लिखा है कि 9 वीक इज इक्वल टू 9 × 7, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 9 वीक में होगा 9×7 = 63। ठीक है, तो अब 63 और 97 को मल्टीप्लाई किया, हमारा 6,111। ऐसे हमने ओडिशा का जो वर्कर है उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो ओडिशा वर्कर
गेट्स इन वन डे ₹75, ये फिक्स सैलरी है गवर्नमेंट द्वारा। एंड ओरिसा वर्कर गेट्स इन 63 डेज, दोनों की 9 वीक्स की निकालनी है हमें, तो 75 × 63, तो इसकी आई 4725। अब देखिए तो पता ही है कि एमपी का जो वर्कर है वो ज़्यादा सैलरी लेता है 9 वीक्स में, एंड जो ओरिसा का वर्कर है वो कम लेता है। अब हम क्या लिखेंगे, एमपी वर्कर गेट्स 6111 में से इसको माइनस करेंगे हम, आंसर आएगा ₹1386। देन ओरिसा वर्कर यानी कि एमपी का जो वर्कर है वो 1386 रुपीज़ इससे ज़्यादा लेता है। ये आपका सिर्फ रीडिंग के लिए। फार्मर्स इन विदर्भा, विदर्भा जो एक जगह है महाराष्ट्र में है, विदर्भा इज़ फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, विदर्भा जो है एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत मुसीबत आ गई है। देर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड, वहाँ पे बारिश नहीं और जो फसलें हैं वो फेल हो गई, मतलब वो नष्ट हो गई। मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, बहुत सारे फार्मर थे जो दुखी हुए, खुश जो अनहैप्पी थे। सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ऑन लाइव्स, और कुछ फार्मर ने तो इतना उनका नुकसान हुआ, फसल नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर दिया, मतलब वो मर गए, आत्महत्या कर ली। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया, न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है वहाँ उस एरिया में गए, एंड स्पोक टू द पीपल, और उसने लोगों से बात की। ही रोट दीज टू रिपोर्ट्स, उसने इनके ऊपर 2 रिपोर्ट लिखी हैं। देखिए रिपोर्टर ने किसकी रिपोर्ट लिखी है, एक तो सतीश स्टोरी एंड एक कमला बाई स्टोरी, 2 रिपोर्ट उसने लिखी हैं। तो यहाँ बोला गया सतीश इज़ अ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय, हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग, उसके पापा ने लोन लिया था खेती के लिए, बट द क्रॉप्स फेल्ड, जो फसल है वो बर्बाद हो गई उनकी। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5000 एवरी मंथ फॉर द लोन, अब सतीश की जो मदर है वो 5000 रुपये हर मंथ लोन के पे करते हैं। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, सतीश ने भी काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज, वो अपने गांव के ही 17 जो बकरियां हैं उनकी देखभाल करने लगा ताकि उसके बदले उनको पैसे मिले। ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट, एक गोट की देखभाल करने की उसको 1 रुपये मिलता है, तो यानी कि 17 गोट की वो देखभाल करता है ना, तो उसको पर डे 17 रुपीज़ मिले। अब क्वेश्चन है ए बी सी इसमें पुट किया गया है, इसको देख के कि हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, 1 मंथ में उसको कितना मिलता है। डस ही अर्न एनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ, क्या वो इतना कमा लेता है कि वो लोन पे कर सके, अपनी मदर की हेल्प कर सके लोन पे करने में। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, और वो 1 ईयर में कितना जो है अर्निंग करता है, उसकी अर्निंग कितनी है 1 ईयर की। देखिए ये हमारे इसके 3 क्वेश्चन के आंसर हैं। ए स्तीश अर्न्स एवरी डे फॉर 1 गोट, एक गोट के लिए उसको मिलता है ₹1, एंड स्तीश अर्न्स एवरी डे फॉर 17 गोट्स, अब 17 गोट्स का उसको कितना मिलेगा, 1 × 17 यानी कि ₹17 एक दिन के उसको मिलते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 मंथ का, तो आप लिखोगे ही अर्न्स इन 1 डे इज इक्वल टू ₹17, एंड ही अर्न्स इन 30 डेज, अब ये 30 डेज कहाँ से, 1 मंथ यानी कि 1 मंथ में 30 डेज आपके होते हैं, तो 17 × 30 इज इक्वल टू 510 रुपीज़। अब देखिए उसको 510 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन उसको जो लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ती है, 5000 रुपीज़। ठीक है, अब ये एनएफ नहीं है उसके लिए, पूरी नहीं है, तो बी का आंसर मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, आप यहाँ से सेकेंड नंबर पे लिख लेना। नो ही डजंट अर्न एनएफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ, वो इतना नहीं कमा पाता है कि वो लोन पे कर सके। तो इसका सी पार्ट था कि 1 ईयर में वो कितना अर्निंग है उसकी, कितना अर्न करता है, आप लिखोगे ही अर्न्स इन 1 डे इज इक्वल टू ₹17, ही अर्न्स इन 365 डेज, अभी 365 कहाँ से है, क्योंकि 1 ईयर उसने पूछा है और 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, तो आप लिखोगे 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है 6205 रुपीज। ओके, सेकेंड रिपोर्ट जो थी उसकी कमला बाईज स्टोरी, कमला बाई की क्या स्टोरी है, स्टेज की स्टोरी चली गई। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउ, अब गवर्नमेंट ने हेल्प की लोगों की, चलो ऐसा करते हैं हम लोन देते हैं काउ खरीदने पर, एक काउ परचेज की तो गवर्नमेंट ने लोन देना शुरू किया। कमला बाई गोधे ऑल्सो गेट गोट अ काउ, कमला बाई ने गोट जो है ली,
द कॉस्ट ऑफ द काउ वाज रुपीज 17,500। इतने की काउ थी 17,500 की। शी हैड टू पे रुपीज 5,500। लेकिन उसने 5,500 दिए, बाकी का पैसा किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। एंड द गवर्नमेंट स्पेंट द रेस्ट ऑफ द मनी। अब गवर्नमेंट ने बाकी पैसा दिया। क्वेश्चन हमारा ए बी सी डी, इसमें तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है और ई एफ फाइव क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। तभी आप देखिए, ए क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ। अब गवर्नमेंट ने उसके कितने पैसे दिए ये आपने फाइंड आउट करना है। फिर लिखा, इफ़ नाइन पीपल फ्रॉम हर विलेज गोट काउस, अगर उसके गांव में नौ लोग गाय लेते हैं तो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल। तो गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, उन नौ लोगों को कितना पैसा देगी। यहाँ इसका सॉल्यूशन है, देखिए द काउ कॉस्ट ऑफ द काउ, काउ की कॉस्ट कितनी है 17,500 रुपीज़। एंड कमलाबाई पेड, कमलाबाई ने कितना दिया 5,500 रुपीज़। देन गवर्नमेंट स्पेंड, बाकी जितना पैसा बच गया वो गवर्नमेंट ने दिया उसका लोन के तौर पे, तो आप इसको माइनस करोगे आपका आएगा 12,000। बी क्वेश्चन था, गवर्नमेंट स्पेंड फॉर वन पर्सन रुपीज़ 12,000। अगर एक इंसान ने गाय ली है तो गवर्नमेंट ने कितना पे किया 12,000। तो हमने लिखा वन पर्सन, तो गवर्नमेंट स्पेंड फॉर नाइन पर्सन, उसमें पीपल लिखा गया तो हम पर्सन भी लिख सकते हैं, नाइन पर्सन इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय नाइन, क्योंकि नाइन लोगों ने ली है तो 1,08,000 गवर्नमेंट ने स्पेंड किया। इसका सी पार्ट है, पहले हमें ये पढ़ना होगा, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, वो नहीं खुश थी। She had to spend rupees 85 every day on the cow. अब जब cow है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा, तो उसका जो डेली पर डे के हिसाब से 85 रुपीस cow के ऊपर खर्च हो जाता था। She made some money by selling the milk. अब वो क्या करती थी, cow का जो milk है वो सेल करने लगी, उसको कुछ पैसे मिलने लगे। But still she wanted to sell the cow. लेकिन तब भी वो गाय को बेचने के लिए बोलने लगी कि मुझे गाय बेचनी है। तो अब क्यों, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ कमलाबाई स्पेंड्स रुपीज 85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन वन मंथ। अगर वो वन डे में 85 रुपीज स्पेंड करती है काउ के ऊपर तो वन मंथ में कितना करेगी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, काउ जो है हर रोज 8 लीटर दूध देती है, हाउ मच विल इट गिव इन वन मंथ। तो वो 30 डेज में यानी कि वन मंथ में कितना दूध देगी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं, देखिए कमला बाई स्पेंड ऑन काउ इन वन डे, वन डे में कितना खर्च करती है उसके ऊपर रुपीज 85। एंड कमला बाई स्पेंड इन ऑन काउ इन 30 डेज, क्योंकि वन मंथ में वो कितना स्पेंड करेगी, 85 मल्टीप्लाई बाई 30 मीन्स 2,550, ठीक है 2,550 रुपीज़ उसने स्पेंड किए। लेकिन जब वो मिल्क सेल करती है तो वन डे में 8 लीटर मिल्क होता है, काउ गिव्स मिल्क इन वन डे 8 लीटर, देन काउ गिव्स मिल्क इन 30 डेज, 30 डेज में कितना देती है 8 × 30 यानी कि 240 लीटर्स। अब इसका आप लिख सकते हो, ये वन मंथ में 30 डेज होते हैं इसलिए हमारा ये 30 डेज दोनों में यहाँ से आया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, इफ द मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज 9 per liter, अगर जो मिल्क है वो 9 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 9 रुपीज है, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन वन मंथ, तो उसको वन मंथ में कितने पैसे मिलेंगे। उसके बाद तो आप क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू रुपीज 9 एंड कॉस्ट ऑफ 240 लीटर्स, क्योंकि वन मंथ में 240 लीटर्स का उन्हें मिल्क दिया है, तो 240 लीटर्स मिल्क इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि उसकी अर्निंग कितनी है 2,160, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इफ़ द मिल्क इज सोल्ड, अब इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया है कि कितना उसको अर्निंग होती है 2,160 रुपीज़ अर्निंग है। तब यानी कि सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वाज 2,550, इतना उस पर खर्च होता है और मिल्क से उसको इतनी अर्निंग होती है 2,160। तो अब क्या बोला गया इसमें कि मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क हो गया हमारा 2,160, और विच इज़ मोर, दोनों में कौन सा ज़्यादा है, मनी स्पेंड ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट। अब देखिए जो स्पेंड करती है वो उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा है आपका, तो आप लिखोगे मनी स्पेंड ऑन द काउ इज़ मोर देन द मनी अर्न फ्रॉम
द काउ. ओके, अब इसने पूछा हाउ मच, तो आप इन दोनों को माइनस करके दिखाओगे. तो हमने तो कितना उसने हाउ मच पूछा है कितना, तो आप क्या करोगे 2550 में से 2160 को माइनस करोगे, आपका आएगा रुपीज़ 390. अब ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन वाई शी वॉन्टेड टू सेल द काउ, वो फिर भी काउ को क्यों सेल करना चाहती हैं. आंसर आप लिखोगे शी वॉन्टेड टू सेल द काउ बिकॉज शी स्पेंट मोर मनी ऑन द काउ कंपेयर टू हर अर्निंग बाय सेलिंग द मिल्क. प्रैक्टिस टाइम. तो क्वेश्चन एक है, सुखी वर्क्स ऑन अ फॉर्म, ही इज़ पेड रुपीज़ 98 फॉर वन डे. एक खेत में सुखी काम करता है और उसको 98 रुपीज़ एक दिन का मिलता है. इफ़ ही वर्क्स फॉर 52 डेज, अगर वो 52 डेज के लिए काम करता है तो हाउ मच विल ही अर्न, उसे कितना पैसा मिलेगा. ठीक है, उसके बाद है हरिया. हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस, ही हैज़ टू पे बैक रुपीज़ 2750 एवरी मंथ फॉर टू ईयर्स. उसने क्या किया, अपना घर खरीदने के लिए लोन लिया और वो हर मंथ जो है 2750 रुपीस वापस करता है. कब तक वापस किया उसने, टू ईयर्स तक, मतलब दो साल तक उसने पैसे वापस किए. हाउ मच विल ही पे बैक इन टू ईयर्स, आपको बताना है कि उसने दो साल में कितने पैसे वापस किए. इसका सॉल्यूशन ए का देखिए, सुखी अर्न्स इन वन डे रुपीस 98, उसको एक दिन का 98 मिलता है. देन सुखी अर्न्स इन 52 डेज 98 मल्टीप्लाई बाई 52 यानी कि 5096. ठीक है, इतना उसको मिलता है. अब सेकंड का जो आंसर है, हरिया पे बैक इन वन मंथ, वन मंथ में वो लोन का कितना पैसा वापस करता है, रुपीज़ 2750. देन हरिया पे बैक इन 24 मंथ्स, 24 मंथ्स कहाँ से, उसने टू ईयर बोला है ना, तो हमने नोट में भी लिख दिया है कि टू ईयर्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 24 मंथ्स, क्योंकि वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो टू ईयर्स में 12 × 24 मंथ्स होंगे. तो 2750 मल्टीप्लाई बाई 24 यानी कि उसने कितना पैसा वापस किया, रुपीज़ 66,000. उसके बाद इसका सी पार्ट हम देखते हैं. रतिराम इज़ अ मिल्क सेलर इन द सिटी. रतिराम जो है शहर में दूध बेचने का काम करता है. ही सेल्स 30 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, वो डेली जो है 30 लीटर्स मिल्क सेल करता है एट रुपीज़ 23 पर लीटर और एक लीटर का रेट है उसका 23 रुपीज़. हाउ मच डज ही अर्न, वो कितना पैसा कमाता है अगर वो 30 लीटर्स दूध पर डे बेचता है और एक लीटर दूध का कॉस्ट आपको दी गई है. तो इसने कितने टाइम का दूध वो पूछा है कि कितना सेल करता है, कितनी उसकी अर्निंग है. इसका सोल्यूशन आप कुछ इस तरह से करेंगे. रतिराम अर्न्स फॉर 1 लीटर मिल्क, एक लीटर मिल्क का उसको मिलता है रुपीज़ 23. तो रतिराम अर्न्स फॉर 30 लीटर मिल्क 23 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर आएगा रुपीज़ 299 यानी कि उसकी वन डे की जो अर्निंग है वो 299 रुपीज़ है. नाउ ई पार्ट, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर रुपीज़ 12. कंपनी जो है 1 लीटर पैक्ड वाटर है वो 12 रुपीज़ का सेल करती है. अ शॉपकीपर बायज 240 लीटर्स ऑफ द पैक्ड वाटर, तो शॉपकीपर जो है 240 लीटर्स लेता है पैक्ड वाटर. हाउ मच डज ही पे, तो उसे कितना उसको देना पड़ेगा. तो आप ऐसे करोगे, अ कंपनी अर्न्स ऑन 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू रुपीज़ 12, कंपनी अर्न्स ऑन 240 लीटर्स वाटर इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि रुपीज़ 2880. बट आप आंसर में क्या लिखोगे, इसने पूछा हाउ मच डज ही पे, तो आप लिखोगे ही पे 2880 रुपीज़. नाउ पेज नंबर 178 देखिए, फन विद मल्टीप्लिकेशन. ये आपका ऐसे ही है, आप थोड़ा देख लेना है, फन के लिए है. तो लुक फॉर द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड, आप इसको पैटर्न को देखिए. देखिए जीरो, आपने पहले नंबरिंग लिया 0 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इन सबको 9999 से मल्टीप्लाई किया. उसके बाद इसको काउंटिंग में प्लस किया गया है. जैसे अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस किया, देन 1 2 से मल्टीप्लाई किया है. यानी कि कितने डिजिट हैं आपके, 1 डिजिट है ना, 09 मतलब 9 में 1 डिजिट होता है, 19 में 2 डिजिट होते हैं, एंड इसमें 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 प्लस किया, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 प्लस किया है. तो आपका आंसर कैसे आया,
जैसे अगर वन डिजिट है तो वन आंसर आएगा, टू है तो टू आंसर आएगा वन वन, एंड थ्री है तो थ्री डिजिट में आंसर आएगा वन वन वन। ठीक है, अब देखिए फोर है तो फोर टाइम वन हम यहाँ लिखेंगे वन 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 एंड वन। ठीक है, उसके बाद फाइव है तो फाइव टाइम वन, सिक्स है तो सिक्स टाइम वन, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है मल्टीप्लाई नाइन से ही करना है। और उसके बाद आप देखिएगा नीचे ट्रिक, ये एज अ गेम है आपकी, ट्रिक विद योर एज, राइट योर एज, हमने मान लिया कि हमारी एज 12 इयर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय सेवन, यानी कि 12 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 84 आ गया। फिर ये क्या बोले, अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13। अब 84 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1092। फिर ये क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई अगेन द आंसर बाय 11। अब हमने फिर 11 से मल्टीप्लाई किया जो आंसर हमारा आया 1092 × 11, तो हमारा आंसर है 12012। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, नाउ लुक एट योर लास्ट नंबर आंसर, अब देखिए लास्ट का आंसर क्या है 12। कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर, तो आप लिखोगे यस। हाउ मैनी टाइम्स डज योर एज शो इन द आंसर, तो आप लिखोगे टू टाइम्स, क्योंकि 12 यहाँ पे है 12 यहाँ पे है। नाउ ट्राई दिस ट्रिक विद अदर पीपल, तो अब बाकी लोगों की एज पूछिए और आप यही इसमें गेम खेलिए कि आप पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, फिर 13 से, फिर 11 से, आपकी एज आ जाएगी। पेज नंबर 180, यहाँ पे आपको डिवीजन करना है। ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग एज फ्यू स्टेप्स एज यू कैन, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, सिंपल डिवीजन आप कीजिएगा। जैसे आप डिवाइड करते हो 4228 को आप अंदर रखिएगा और 4 से डिवाइड कीजिएगा। ये आपने डिवीजन के क्वेश्चन खुद कर लेने हैं, आई थिंक सब बच्चों को डिवीजन अच्छे से आता होगा। और नाउ पेज नंबर 181, हाउ मच पेट्रोल, ईशा हैज़ रुपीज़ 1000 विद हर, ईशा के पास 1000 रुपीज़ हैं, शी वॉन्ट्स टू बाई पेट्रोल, वो पेट्रोल खरीदना चाहती हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ 47, हाउ मैनी लीटर्स कैन शी बाय, अब उसको कितने लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपका रिटर्न में गिवन है मनी विद ईशा इज इक्वल टू रुपीज़ 1000, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 47, लीटर ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय इज इक्वल टू 1000 को 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीटर उसको पेट्रोल मिलेगा, 21 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अब इसमें आपके जो है 1000 में 987 रुपीज़ का 21 लीटर पेट्रोल मिलेगा उसको, बाकी 3 रुपीज़ का पेट्रोल नहीं आएगा, उसके पास रिमेनिंग जो मनी रहेगी वो 3 रुपीज़ रहेगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, पेज नंबर 181 तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।